चार्ट। तो बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे कि सर एक्सेल में चार्ट क्या होता है, कैसे ड्रॉ कराया जाता है। तो यही पॉइंट हम लोग आज लर्न करेंगे कि एक्सेल में चार्ट बनाया कैसे जाता है, ये चीज़ें। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो ये चार्ट कि हाउ टू ड्रॉ चार्ट, हाउ टू मेक चार्ट। तो चार्ट के बारे में हम लोग मालूम है कि चार्ट होता क्या है। चार्ट मीन्स हम लोग बचपन सीखते थे ग्राफ बनाते थे ग्राफ कॉपी के ऊपर, तो वही ग्राफ की प्रेजेंटेशन जो हमारे सामने है वही चार्ट फॉर्म है जो हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि अगर सपोज हमारे पास कोई भी डेटा है, कोई वैल्यूज़ है, हम उस पर चार्ट बनाना है तो चार्ट बनाएंगे क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा हमारे सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल कॉलम्स में डेटा हमारा प्रेजेंट है, लाइक नेम, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, टोटल है। हम इस पर चार्ट कैसे बनाएंगे, चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ होती है कि डेटा को सिलेक्ट करना। सिलेक्शन करना बहुत ईजी है, डेटा को एस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ये जो जितना प्रोसेस दिखाया है इतना आपका एक्यूरेट डेटा आपका सिलेक्ट है, अब कौन सा डेटा हमारा इनएक्यूरेट हो सकता है कि जैसे कि अगर आप डेटा आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड रेंज है, ये इनवैलिड रेंज है। अगर आपने हाफ डेटा को सिलेक्ट करा हुआ है इस फॉर्म में तो ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। करेक्ट वे इज दैट कि केवल उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे जितने में हमारा डेटा आपका प्रेजेंट हो। करने के बाद यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पर चार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चार्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, ठीक, एंड अदर्स। तो अदर्स के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो एक्स वाई आ जाता है, स्टॉक, सरफेस, डाउटनेट, बबल, अडार्स। आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं जो चार्ट आपको आपकी सुविधा के हिसाब से हो, पर ये मान समझिएगा कि जो हमारे पास जितने भी चार्ट हैं हर चार्ट हर डेटा सीरीज के ऊपर नहीं बन सकता है, उसको उसी हिसाब से डेटा की सीरीज चाहिए, किसी को दो कॉलम का, किसी को मल्टीपल के लिए। तो जो एक हमारा स्टैंडर्ड चार्ट जो कॉमन बनता है तो वो चार्ट हमारा होता है एक कॉलम और एक बार। ये दो फॉर्मेट हमारे ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम हर डेटा के ऊपर आपके बन जाते हैं। तो कॉलम और बार में जो अगर डिफरेंस रखा जाए तो वो ओरिएंटेशन का है, एक वर्टिकल आता है एक हॉरिजेंटल आता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हमने कॉलम पर सेलेक्ट किया तो कॉलम के देखिए मल्टीपल टाइप्स आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अप्रॉक्स 19 फॉर्म्स हमारे पास कॉलम चार्ट के हैं। ऐसे लाइन चार्ट के देखिए यहाँ लगे हुए हैं, आप इतने प्रकार के लाइन बना सकते हैं। ऐसे पाई चार्ट के लिए देखिए जितने भी फॉर्म्स हमारे सामने आ गए हैं, ऐसे बार के भी आपके फॉर्म जितने होंगे सामने खुल जाएंगे। एरिया, एक्स वाई, स्टॉक, सरफेस, सबके चार्ट के टाइप्स आपके पास, जैसा टायर चार्ट बनाना है वैसा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम में से हमने ई वाला चार्ट बनाना है इस टाइप का, इसको सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक करा। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो चार्ट बन के हमारे सामने आ रहा है इस चार्ट में यहाँ पर स्टूडेंट की नेम है और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट रैंकिंग है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की नेम आपके कहाँ पर आ जाए, इस फॉर्म पे, और जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म पर प्रेजेंट हो जाए। मतलब कि उनके के आप चेंज करना चाहते हैं क्या, स्विच करना चाहते हैं रो टू कॉलम्स और कॉलम टू रोज के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिए साइट में आपके बटन होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्विच रो इन कॉलम्स। जैसे क्लिक करेंगे जो डेटा हमारा होगा स्विच हो जाएगा, जो नेम हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे, और जो टोटल होगा हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास पंकज का डेटा होगा सबसे ये जा रहा है, ठीक है, नरेश का ये है। तो सबके चार्ट देखिए अपने अलग अलग हैं। यहाँ पर जो कलर्स आ रहे हैं ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट को। अगर इस कलर के ऊपर अगर हम माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो वहाँ पर से भी ये हमको उसकी डिटेल शो कर देगा कि जैसे कि ये इंग्लिश का है, पंकज का है, राइट। ऐसे आप किसी पर भी लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर तो ये टोटल है, पॉइंट है, किसका है, नरेश का है, ठीक। तो ये सबके बारे में बताएगा, आपने नरेश का ये पॉइंट रखा कि ये कलर किस चीज़ का आ रहा है, ये सोशल साइंस का आ रहा है, यहाँ पर किसका आ रहा है, ये साइंस का, ऐसे सब अदर्स हैं। अब हमारे पास चाहते हैं कि जो चार्ट आ रहे हैं कि हम सपोज इस चार्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, हमको चार्ट के और अच्छे लगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर और इसकी स्टाइल्स आती हैं, आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमको 3D स्टाइल में आपने क्लिक करा, ये जो चार्ट थे देखिए अब कुछ 3D लुक में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो दिखने में बहुत ही यूनिक लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ठीक। यहाँ पर भी होता है कि सपोज हम चाहते हैं कि अब चार्ट ही स्टाइल चेंज हो जाए,
तो उसके लिए यहाँ कॉर्नर में देखिए चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन होता है, आप यहाँ से क्लिक करके अपने डिफरेंट टाइप के चार्ट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, अब ये चार्ट उसमें आपका कन्वर्ट हो गया। तो यही नहीं कि मतलब कि आप सेम ले सकते हैं, आपने बार में ले लिया, बार की जो भी स्टाइल ले ली, ओके करा, अब वही डेटे पर आपका बार चार्ट आपका तैयार हो गया। ठीक, तो ये तो इस तरीका था कि चार्ट को चेंज करने के लिए हम वापस उसी फॉर्म में चले जा रहे हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि ये चार्ट हमारा थोड़ा यूनिक होते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब ये होता है कि हम चार्ट में चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर जो वाइट आ रहा है, यहाँ पर कोई पिक्चर कलर कुछ भी फिट करना है, चार्ट की बाउंड्री पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस आता है, फॉर्मेट ऑप्शन आता है, फॉर्मेट में सामने होता है शेप फिल, ये एक प्रकार की शेप है जिसमें आप फिल कर सकते हैं। फिलिंग में यहाँ पर क्या होता है, कलर फिल कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, कोई ग्रेडिएंट इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई टेक्सचर लगा सकते हैं। आप चाहते हो कि डेटा के आधार के ऊपर कोई पिक्चर फिट करनी है तो पिक्चर पर जाएंगे, आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर है जो आपने सेव करी हुई है अकॉर्डिंग टू डेटा कि डेटा के बेस के ऊपर, तो आप उस पिक्चर को यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे कि इसके ब्याप पर हमने क्या करा, जब बुक्स की ले ली, इंसर्ट करा, तो आप देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड में बुक्स हमारी यहाँ पर सेट हो जाएंगी, बट इतना एरिया अभी भी हमारा जो होगा वाइट दिखाई दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है। अब आप इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए, वहीं पर जाइए फॉर्मेट में, शेप में जाइए, या तो फिर से पिक्चर ले लीजिए एज वेल एज नो फिल कर दीजिए। अगर नो फिल करेंगे तो बैकग्राउंड की जो पीछे पिक्चर लगाई हुई है ये होल एरिया पे आपके अपीयर हो जाएंगे। तो ये मेथड टेक्निक थी कि हम बैकग्राउंड में चार्ट में कोई पिक्चर को लगाना, अगर आपको पिक्चर की जगह और कुछ लगाना है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, सपोज यहाँ से ट्रैक्चर समझाएंगे, हमने ये ट्रैक्चर लगा दिया, अब देखिए कि वो ट्रैक्चर था वो हमारा सेट हो चुका है, राइट। आपको हटाना था, सेलेक्ट किया, देखो जहाँ पर जो पोर्सन सेलेक्ट होगा उसी पोर्सन पर वही चीज़ हमारी फिट होगी। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब हम एक प्रकार का और चार्ट ले सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे क्लिक करा, यहाँ से सीरियल नंबर इनको सेलेक्ट किया, एक नई शीट पे जाते हैं, यहाँ से पेस्ट किया, और इसी शीट पर आप चार्ट को मूव कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से टोटल जो पार्ट है अब उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, न्यू शीट पे जाके पेस्ट कर। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, तो ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट में एक प्रकार से जो कन्वर्ट हो गया, ये वहाँ से लिंक आ गया। तो अब लिंक के लिए क्या होता है कि जब हम लोग पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल जो होता है, यहाँ से केवल आप वैल्यू ले लीजिएगा, जब भी ये खुलेगा तो उसमें वैल्यू देखिए लिखा हुआ है, जैसे ओके करेंगे तो वहाँ से सीधे आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू का और उस सीट से कोई लिंक नहीं है, ठीक, क्योंकि जो फार्मूला लगा था फार्मूला के हिसाब से ये अपने लेफ्ट पोर्शन के अंदर वैल्यूज को फाइंड कर रहा था, पर वहाँ तो कोई वैल्यू थी नहीं, इसलिए वहाँ पर रेफरेंस शो कर रहा था। अब जैसे कि हमको कोई अदर चार्ट बनाना था, हमने इनको क्या करा, इनको सेलेक्ट कर लिया, सपोज टू कॉलम पर, चार्ट के अंदर चले गए इंसर्ट। अब जैसे पाई चार्ट होता है तो ये सिंगल डेटा सीरीज के लिए काम करता है, हमने यहाँ पर क्लिक करा तो देखिए सिंगल डेटा सीरीज हमारे यहाँ पर तैयार हो गई, जहाँ पर आप कलर पर परसेंटेज के व्याप के ऊपर अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट रखा, ये पॉइंट टोटल किसका है, ये पंकज का है, ये किसका आ रहा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा दीपक का। तो जब कोई हमको सिंगल डेटा बेस के ऊपर आपको शो करना होता है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा लेके चलते हैं पाई चार्ट। तो हम चाहेंगे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कोई आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा, तो उस व्याप के ऊपर भी हम आपको चार्ट बना देंगे, या चार्ट में और डीप में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे मेरे इन वीडियोस के थ्रू। जय हिंद, जय भारत।